पहाड़ों की बारिश से मैदानी इलाकों की बड़ी मुसीबतें, पुलिस प्रशासन बाढ़ को लेकर हुआ अलर्ट। पुलिस ने गंगा पार न जाने की ऐलान के जरिए की अपील। गंगा खादर के दर्जन भर गांव का शहर से टूटा संपर्क, सड़कों व खेत खलिहान में आया पानी। थाना चांदपुर के गंगा खादर इलाके का मामला। हाँ, सभी गांव वालों को सचेत किया जाता है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, सभी सतर्क रहें, कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर पुलिस से संपर्क करें। आगे थाना हेमपुर पुलिस आपके साथ है, मैं किसी भी वक्त कोई भी वो हो आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर नोट कर लो, 82-1850-3780, 82-1850-3780। गांव वालों को सूचना दी जाती है गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, सभी सतर्क रहे, सावधान रहे, किसी भी स्थिति में पुलिस आपके साथ है, आधी रात भी कॉल करोगे आधी रात पुलिस आएगी। मेरा नंबर नोट कर लो, 82-1850-3780, पुलिस आपके साथ है, सभी सावधान रहे, एक दूसरे का साथ दें, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, सभी सतर्क रहें। ऐसा है, मेरा नाम है रविंदर त्यागी, लोग बाग मुझे कालू टिकैत का है, मेरा रहन सहन भी खानपुर नानौर का ही है। ये जो पांडव चौकी है दत्याने के पास, इसके पास आप देख रहे हो करीब एक महीना हो गया, इसमें पानी भरा खड़ा पूरे क्षेत्रों में। पहले चौकी का सामान बह गया सब, पिछले साल ढह गई, पुल ढह गया पूरा, जो इसकी क्या होती है वो अप्रोच वो टूट गई, हसनापुर नानौर पुल की, कई लाख बीघे गन्ना गल गया, सैकड़ों गांव है जो बर्बाद हो गए। एमपी एमएलए सब कमीशन देते हैं, सही बात है, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ कमीशन लेना, बेईमानी करनी, चोरी करनी, जनता के पैसे बर्बाद करना, जनता को कोई सहारा नहीं, जनता को कोई सहारा नहीं। लगभग ये जो जलीलपुर में जो है गांव है टिकैत साहब, कितने गांव जो है बाढ़ से प्रभावित? 60-70 गांव तो एक जगह बसे हुए हैं, रायपुर, जलालपुर, खदल, सियारी, दत्याना, जितने भी है 60-70 गांव है। चार तीन किन किन फसलों को नुकसान है टिकैत साहब? इसमें ऐसा है करीब 70% फसल तो गल गई। अच्छा, कौन सी फसल गल? फसल सिर्फ गन्ना पैदा होता है और फसल को वो छोड़ते नहीं, आवारा पशु, सिर्फ गन्ने की खेती वो ही बर्बाद हो गई, तो हम सब तबाह है। अच्छा, पशुओं के चारे की क्या? चारे की कोई व्यवस्था नहीं, सब धक्के खा रहे हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं। पीछे मैंने आंदोलन करा, मैं कभी गंगा का बंदा बनवा दो ताकि हमारी फसल बच जाए, कोई सुनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री से भी कही, डीएम से भी कही, सब कहते हैं हमारे बस ये कुछ नहीं, सरकार जाने। अरे भाई, मेरा ये कहना है भाई, थोड़े सुनो, हम सैकड़ों साल से किसान बर्बाद है। सही बात, जब हमारी फसल नहीं होती तो जाए कहाँ।